समय जब रहता है ना तब समझ नहीं होती, ये बात समझिएगा। जब समय रहता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। और जीवन में सफल वो हुए हैं जिनको समय रहते समझ आ गई है, जिनको समय रहते समझ नहीं आई वो बिगड़ गए, वो फ्लॉप हो गए, खत्म हो गए, सारा भविष्य खत्म। समय रहते क्या आना जरूरी है? समझ। समय रहते समझ। आजकल के लड़कों को जब समझ आती है तो समय चला जाता, और जब समय रहता है तब तक वो समझ नहीं आती। आजकल के लड़के यदि पैसा कमाने भी लगते हैं, बिफोर अपने अच्छी खासी पैसा कमाने भी लगते हैं, तो वो पैसा कमाते तो हैं पर खर्च कहां करते हैं। यदि आज के लड़का पैसा कमाने लग जाए तो एक बड़ी सी गाड़ी उठा के ले आएंगे और पूरी सड़क में फिर ऐसे धूम चलाएंगे, वो धूम बराबर धूम धूम है ना, गाड़ी ले आएंगे। ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो गाड़ी ले आएंगे, महंगे महंगे कपड़े पहनने लग जाएंगे, महंगा मोबाइल चलाने लग जाएंगे। ये दो कौड़ी के लड़के हैं, इन्हें ये नहीं पता मूर्खों को कि पैसे का सदुपयोग कैसे किया जाता है। ये गाड़ी घोड़े में तुम पैसे उड़ा रहे हो, ये समझदारी नहीं है। अरे पैसे कमाने लग गए हो तो पैसे से पैसा बनाओ, पैसे से पैसे को बढ़ाओ। उसे गाड़ी घोड़े में यूं बर्बाद, मतलब की गाड़ी है जिससे आपका काम चलना, बोलो शौक में मर रहे हो। देखो एक तो होती है जरूरत, मुझे गाड़ी की जरूरत है तो मैंने गाड़ी ली। एक आदमी गाड़ी जरूरत में नहीं ले, आजकल के लड़के गाड़ी जरूरत में नहीं लेते, शौक में लेते हैं। हाँ या ना, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी, पापा गाड़ी दिलाओ, पापा गाड़ी दिलाए तो बेटा गाड़ी में चलेगा। मूर्ख है ये बच्चे, हमारे बाप ने तो हमें साइकिल नहीं दिलवाई, और ठीक नहीं दिलवाई, अब समझ में आता है, अच्छा नहीं दिलवाई। जितना तुम्हें हथौड़ा पड़ेंगे ना, जितना तुम बर्दाश्त करोगे चीजों को, जितना तरसोगे, जितना तरसोगे। मैं हर चीज को तरसता था, कपड़ों के लिए, कपड़े मेरे साल में एक जोड़ी आते थे बस, एक साल में एक जोड़ी, जब तक पैंट में पीछे छेद नहीं हो जाए बड़े बड़े दो, तब तक पिताजी पैंट नहीं दिलवाते थे दूसरा। तरसते थे हर चीज के लिए, जूता, ये 2 महीने तो नंगे पांव चलते थे, जब पांव के छाले दिखाते थे पिताजी को, देखो ये, तब वो एक जोड़ी जूते दिलवाते थे, और वो भी 50 रुपया वाले, जो खेतों में पहन के जाना पड़ता, गैया चराने के लिए जूते चाहिए, गैया चराते खेतों में, और जूते नहीं होते थे, नंगे पांव चलते थे, 10-5 कांटे तो लगे ही रहते थे 12 महीने पांव में, फिर कांटे की गुखरू बन जाती थी इतना बड़ा वो, तब दिखाते थे देखो ये बन गया, तब वो जूते लाते थे। तरसते थे चीजों को, तब लगता था कि गलत है, पर अब लग रहा कि सही है। जितना हम तरसते हैं हम उतना चीजों की कीमत समझते हैं, और जितना तरसते नहीं है हम उन चीजों की कीमत नहीं समझते। हाँ या ना, इसलिए गरीबी जरूरी है। गरीबी इसलिए जरूरी है कि गरीबी नहीं होगी तो अमीरी का स्वाद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं आएगा। गरीबी यदि ना होगी तो अमीरी में व्यक्ति अभिमान में भर जाएगा। गरीबी से जो ऊपर आएगा वो अमीर जब बनेगा तो कभी अभिमान नहीं करेगा। बाप दादों की संपत्ति जो पा लेते हैं ना, वो बेटे बड़े अमीर बाप की औलाद तो खूब अभिमान में रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद कमाता, मैं तो कहता हूं कि आप खूब अमीर बनना, लेकिन अमीर बनना और अपने बच्चों को ना केवल स्ट्रगल करना सिखाना, काबिल बनाओ, योग्य बनाओ और भेज दो, बाजार में उतार दो, जाओ कमाओ और खाओ, तुम्हें धन नहीं मिलेगा, कमाओ,
जब वो अपने से करेंगे, खाएंगे, कमाएंगे और धन कमाएंगे, तब उन्हें उस धन की कीमत पता चलेगी कि धन क्या होता। यदि तुम यूं ही दे दोगे तो उड़ा देगा सारा। आज समाज में ऐसे कितनी औलादें हैं जो अपने बाप दादों का पैसा बेच बेच के गाड़ी घोड़ा खरीद के ले आए और 2-5 साल में गाड़ी खत्म। इसलिए गरीबी यदि है तो अमीरी की कीमत समझ में आएगी।